नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं शेफ का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि आइसक्रीम और फ्रोज़न डेजर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हम आइसक्रीम और फ्रोज़न डेजर्ट के बारे में जो डिफरेंस है और जो उनके इंग्रेडिएंट होते हैं उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसक्रीम की। तो आइसक्रीम की डेफिनेशन ये है कि आइसक्रीम के अंदर मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क फैट ही होनी चाहिए। मतलब आइसक्रीम मिल्क और मिल्क फैट से बनी होनी चाहिए। तो जब हम बोलते हैं कि ये आइसक्रीम है तो आइसक्रीम में मिनिमम 10% मिल्क क्रीम या मिल्क फैट होना चाहिए। अगर आइसक्रीम में 2.5% से लेके 10% तक मिल्क फैट है तो हम उसको मीडियम फैट आइसक्रीम बोल सकते हैं, और अगर 2.5% से भी कम अगर मिल्क फैट है तो उसको लो फैट आइसक्रीम बोलेंगे। तो आइसक्रीम, अगर किसी भी प्रोडक्ट को आइसक्रीम कहने के लिए उसमें मिनिमम 10% मिल्क फैट और उसके अलावा मिल्क होना चाहिए। अब हम बात करेंगे फ्रोज़न डेजर्ट के बारे में। फ्रोज़न डेजर्ट आइसक्रीम नहीं होती है, इसके अंदर मिल्क फैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फ्रोज़न डेजर्ट बनती है वेजिटेबल प्रोटीन से और साथ में वेजिटेबल ऑयल से। जैसे कि आमतौर पर जो ऑयल यूज़ होता है वो पाम ऑयल यूज़ होता है। तो जो फ्रोज़न डेजर्ट होती है वो बेसिकली एक मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। हालांकि ये खाने में बिल्कुल आइसक्रीम जैसी ही लगती है, खाने में और टेस्ट में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हमने आपको बेसिक डिफरेंस बताया कि फ्रोज़न डेजर्ट और आइसक्रीम में क्या डिफरेंस है। दोनों की जो परिभाषा है वो FSSAI में अच्छे से डिफाइंड है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी देंगे कि आप अगर आप कुछ आइसक्रीम पैकिंग के लिए बना रहे हैं तो आप उसको क्या लेबल करेंगे, कि आप उसको आइसक्रीम लेबल कर सकते हैं या मीडियम फैट आइसक्रीम लेबल कर सकते हैं या लो फैट आइसक्रीम लेबल कर सकते हैं या आप उसको फ्रोज़न डेजर्ट लेबल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विजिट करके आप इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। हम इस हिंद शेफ के यूट्यूब चैनल पर समय समय पर आपको इसी तरह की जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आपको इस तरह की जानकारी में इंटरेस्ट है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।